वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अपराजिता का प्लांट रखा हुआ है। तो इसको अपराजिता या फिर शंखपुष्पी या फिर बटरफ्लाई पी भी बोलते हैं। इसमें दो कलर मिलते हैं, ब्लू और वाइट। ये प्लांट इतना अच्छा है कि इसे बेल के रूप में भी लगा सकते हैं आप, और इसे कटिंग करके बुशी भी बना सकते हैं। जब इसे बुशी बनाएं तो इसकी जो टिप्स होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इनको इसको कट कर दीजिए तो ये थोड़ा बुशी हो जाएगा। और जैसे आप देख रहे हैं, ये नया फ्लावर खिला है, और जो एक दिन पहले खिला था फ्लावर वो इस टाइप में, देखिए ये कल का फ्लावर है। तो ये अगर मैं इसे तोड़ूंगी नहीं तो ये फली के रूप में डेवलप हो जाएगा। ये देखिए, ये लगी जैसे फली। अगर आप ये फलियों को चाहते हैं कि ये रहें तो आप लगे रहने दीजिए, तो आपको नया प्लांट बनाने के लिए काम आएगा ये फली। लेकिन अगर इसमें हैवी फ्लावर चाहते हैं तो इन फलियों को ज़रूर आप निकाल दीजिए। तो मैं ये निकाल देती हूँ, मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पर सूखी वाली लगी हुई जो मुझे चाहिए, ये यहाँ नीचे, और जितनी भी हैं सारी मैं कल आज ये फलियाँ सब कट कर दूँगी। मेरे इसमें प्लांट में देख रहे होंगे आप, बहुत कम फ्लावर निकल रहे हैं, तो उसका यही कारण है कि इसमें फलियाँ ज़्यादा आ गई हैं। मैंने इसके फ्लावर कट नहीं किए सूखने के बाद में, ये देखिए। तो मैं सारी आज फलियाँ निकाल दूँ तो इससे फ्लावर जल्दी ग्रोथ करेंगे। अच्छा, इसका ग्रोइंग सीज़न होता है फरवरी मार्च, तो आप इसको लगा सकते हैं, चाहे तो फलियों के द्वारा, इसके बीज के द्वारा, और इसे कटिंग से भी लगाया जा सकता है। तो बीज से मैं आज आपको लगाना सिखाऊंगी कैसे लगाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें फलियों में इस टाइप के बीज होते हैं, काले छोटे बीज। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने निकाल लिए हैं। अब इनको लगाने के लिए इसमें एक इंच का होल बना लीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ी थोड़ी दूर पर। प्लांट को लगाने के लिए ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, और साल में दो बार इसे खाद दे सकते हैं आप। और बहुत अच्छा प्लांट है, इसको मेडिसिनल प्लांट भी कहा जाता है। साल भर ही इस प्लांट पर फ्लावर आते हैं, बट इसके ठंड में ये डोरमेंट हो जाता है, तो ठंड में इसमें फ्लावर नहीं आते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और मेरे प्लांट में आप देख रहे हैं, कुछ वाइट वाइट से इसमें एफिड्स का प्रकोप है, तो मैं इसको नीम ऑयल का स्प्रे करूंगी, एक लीटर पानी में एक चम्मच स्प्रे, और या फिर कोई भी लिक्विड सोप एक लीटर पानी में एक चम्मच डाल के मैं स्प्रे कर दूंगी, तो उससे ये सही हो जाएगा। इसमें आप एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे कर सकते हैं ताकि इसकी लीव्स ग्रीन रहें।